नमस्ते दोस्तों, डीटीएच टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में फ्री टू एयर के कई सारे रिसीवर अवेलेबल होते हैं, तो आइए चलते हैं कि कौन सा रिसीवर हमें लेना चाहिए इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैनल के दौरान मैं कई सारे डीटीएच के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही सारे वीडियो आप फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्री टू एयर के रिसीवर के बारे में। तो दोस्तों, मार्केट में जब हम फ्री टू एयर का रिसीवर परचेस करने जाते हैं, तो वहाँ पर कई सारे रिसीवर हमें मिलते हैं। हर जगह पे अलग अलग, हर शॉप में अलग अलग नाम के रिसीवर हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ रिसीवर के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। एक रिसीवर होता है सॉलिड का, एक रिसीवर होता है एसटीसी का, एक रिसीवर होता है पगारिया का, और भी कुछ रिसीवर के नाम मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी अटपटे नाम हैं। कुछ जगह पर मुझे जीमेल नाम लिखा हुआ दिखा, कुछ जगह पर जियो नाम लिखा हुआ था, कुछ जगह पर एबीसी रिसीवर का नाम है। तो ऐसे अटपटे रिसीवर के नाम मैंने देखे हैं। हर जगह पे, हर शॉप में अलग अलग रिसीवर का नाम रहता है, नए नए शहरों में नए नए रिसीवर के नाम रहते हैं। तो ये अलग अलग रिसीवर के नाम है, तो इसमें से कौन सा रिसीवर हमें परचेस करना चाहिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं और शॉपकीपर जो है जिससे हम बॉक्स परचेस करते हैं वो बताता है कि ये रिसीवर अभी बहुत चल रहा है, ये रिसीवर बहुत ही अच्छा है, पगारिया का रिसीवर बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो जियो का रिसीवर बहुत अच्छा चल रहा है। किसी और शॉप में जाएंगे तो वो बोलेगा कि तुमको ये फलाना वलाना रिसीवर बहुत अच्छा चल रहा है, ये रिसीवर लेना चाहिए, वो पगारिया का रिसीवर कुछ काम का नहीं है। तो ये सभी रिसीवर में सिर्फ एक ही ब्रांडेड कंपनी है जिसका नाम है एसटीसी। एसटीसी का जो रिसीवर होता है वो ब्रांडेड रिसीवर होता है, उसका सर्विस भी मिलता है, उसका एक साल का गारंटी होता है। बाकी सारे जो रिसीवर है वो उसी शॉप में असेंबल किए हुए रहते हैं। अगर से हम उस फ्री टू एयर के रिसीवर को ओपन करके देखते हैं, तो उसमें एक पावर सप्लाई मिलेगा और एक छोटी सी किट रहती है। वो किट और वो पावर सप्लाई, ऐसी दो ही चीज़ें उसके अंदर रहती है। उसके अंदर कार्ड का कोई सवाल नहीं है, कार्ड तो रहता ही नहीं है। तो इसलिए जब मार्केट से जो बॉक्स परचेस करते हैं, अगर से एसटीसी का है तो उसका थोड़ा सा 1000 रुपये, 1400 रुपये दाम रहता है। बाकी जो भी रिसीवर है 500-600 रुपये में मिल जाते हैं। और ये जो शॉपकीपर है आपसे 1000 रुपये, 2000 रुपये जिंदगी भर फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, ऐसा कुछ बता के हमसे ज़्यादा पैसे ऐट लेते हैं। तो दोस्तों, आपके पास अगर से कोई भी डिश लगा हुआ है तो उसके ऊपर वो आसानी से फिट हो जाता है, सिर्फ उसको एक बार ट्रैक करने का ज़रूरत होता है। तो दोस्तों, याद रखें कि जब भी हम कोई डिश लेते हैं तो उसको डिश जब इंस्टॉल करते हैं तो अच्छी जगह पे डिश इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि बार बार निकालने से और लगाने से डिश खराब हो जाता है, और प्रॉपर कंपनी के इंजीनियर से या फिर प्रॉपर टेक्नीशियन के सहारे से ही उसे फिट करके लेना अच्छा होता है। दोस्तों, अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि आप ऐसे कई सारे वीडियो फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों, और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जब हम सेटअप बॉक्स लेने जाते हैं फ्री टू एयर का, तो उसमें हमें बताया जाता है कि इसके अंदर इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो इंटरनेट चलाकर आप यूट्यूब या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं बताना चाहता था कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। इसके वजह से इसके अंदर जो यूट्यूब या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट है वो ठीक से खुलता नहीं है। जैसे हम स्मार्ट एलईडी के अंदर देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट हम आसानी से खोलकर यहाँ पर देख सकते हैं और उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हम। तो कोई भी जो सेटअप बॉक्स आप लेते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि यहाँ पर इंटरनेट चला सकते हैं, यहाँ पर इंटरनेट से कई सारे चैनल्स आप देख सकते हैं फ्री में, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मेरा यही कहना था कि आप सादा कोई भी रिसीवर ले लीजिए और आप उसे लगा लीजिए। कोई भी रिसीवर में, कोई भी कंपनी का रिसीवर लेंगे तो सेम चैनल मिलने वाले हैं आपको, उसमें कोई चैनल कम या फिर ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। नए नए फ्री टू एयर के चैनल आते रहते हैं और बाद में वो कुछ दिनों के बाद पेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कोई पेड चैनल होता है वो कुछ दिनों के लिए फ्री टू एयर में दिख जाता है। जैसे कि कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें लिखा रहता है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द ये
वीडियो ये सॉरी ये चैनल आप ऐड कर लीजिए तो बिल्कुल चीज़ बराबर है। कुछ दिनों के लिए फ्री में चैनल चालू हो जाता है। तो दोस्तों अगर से आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।